हाँ, और सब बढ़िया? हमारा सब ठीक है ये। अरे यार, अबे नहीं आए थे हम। अच्छा, तो हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अबे लेट हो रहे। फिर तो आओ, तो स्कूल ही आ जाइए, फिर वहीं मिल लिए। चलो ठीक है। आज तो यार लंबा होमवर्क भी नहीं कर पाओ। चलो चल रहे, देखें। सीताराम 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 कहिए, जाइए दे रख राम ताइए दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाइए दे रख राम ताइए दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाइए दे रख राम ताइए दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाइए दे रख राम ताइए। महाराज जी, आशीर्वाद दो मोई। को स्कूल में पेपर देने जा रहे। राम नाम सत्य है महाराज जी। ये शब्द किसने कहा तुमसे बोलने को? इसका मतलब जानते हो? नहीं हाँ? नहीं अच्छा बताओ। अभी नहीं बताएंगे, अभी तुम बच्चे हो, पढ़ो लिखो अभी, ठीक है? जिस दिन बताने के लायक हो जाओगे उस दिन बता देंगे तुमको। अभी जाओ, चलो। बताओ, ये तो हमें जिंदगी पे मारे दी थी, मेरे जिंदगी पे राम राम सत्य करें दी। बताओ वाला, क्या जमाना है, समझ में नहीं आ रहा। लगता है इसके घर जाना पड़ेगा, इसके घर वालों से शिकायत करेंगे जाके, तभी ये सुधरेंगे, तब तक नहीं सुधरेंगे। पाल आ गए महाराज। खुश रहो बेटा, क्या बात? अरे महाराज जी, आज पेपर बिगड़ी हो। कैसे पेपर बिगड़िया? कैसे बिगड़िया? फेल होने लगा। ऐसे कह दिया, फेल हो गई? फेल हुए हैं आज, हमने ऐसे उल्टे सीधे पेपर कर आए, ऐसे लिखे आए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आगे से ठीक से करना, ठीक है? ठीक है। राम नाम सत्य महाराज जी। हारू तो रहा है, देख। अब तो हाथ धोइए ही लड़कन की इनकी। अब तो जिनके घर ही जवाब पड़े है, जिनके घर शिकायत करी है जहाँ, तब जे सुधर। अरे परमानंद महाराज जी को नमस्कार, आओ बैठो। नमस्कार। आज कैसे आइए, क्या बात? अरे ये बात थी, क्या तुम्हारा भाई है छोटा, जहाँ मेरे मंदिर से होके गुजरता है तो मुझको बहुत परेशान करता है। क्यों, तुम्हारे मंदिर से वो क्यों परेशान तुमको करता है? मुझको पूजा नहीं करने देता है सही से। क्यों, ऐसा क्या कारण है जो तुमको पूजा से मतलब पूजा नहीं करने देता? क्या परेशानी कर क्या परेशान करता है वो? उसको खुद ही पूछ लीजिए, मैंने तुमको बता दिया। चलो तो मैं अभी बुलाता हूँ उसके। इब्राज, ओ इब्राज, इधर आ।
बात। अरे तुम महाराज जी को स्कूल जाते समय इनके मंदिर सामने से गुजरते हो ना, इनको परेशान करते हो। क्या परेशान करते हो इनको परेशान करते, कोई कछु परेशान नहीं करा। बताइए महाराज, क्या परेशान करता है ये? ये झूठ बोल रहा है, ये गलत शब्द बोलता है मेरे से। क्या गलत शब्द बोलते हो? अरे बता, आप ही बता महाराज जी। भैया बताइए, हम क्या बताएं, उसी से पूछ लो। बोल रहा है आप बताओ, वो तुम बोल रहे हो ये बताए। यार जब तक कुछ पता नहीं चलेगा तो कैसे हम समझेंगे क्या प्रॉब्लम है? अरे उससे पूछो तो सही। अरे क्या बात, शर्म, अरे शर्म लगा दो तो भैया कान बता दो। हमको शर्म नहीं लगती है, खुद पूछ लेना इससे। ठीक है मैं चलता हूँ। चलो तो हम इसको समझा देंगे। चलो तो फिर आप ठीक है, नमस्कार प्रणाम महाराज जी। नमस्कार। चलो इधर आओ। क्या बात हो गई, क्या क्यों ये बाबा चिढ़ रहा है तुमसे? कुछ नहीं महाराज, उधर से निकलती है मंदिर से तो कुछ नहीं यार, नाम नाम सत्य कह देती है इनसे बात। अच्छा तो राम नाम सत्य है इसलिए चिढ़ जाता है? चिढ़ेगा ना, वो तो जिंदा व्यक्ति है। जब लोग मरते हैं उनकी जो डेड बॉडी है अर्थी है, जब अर्थी को लेके जाते हैं लोग तभी राम नाम सत्य बोलते हैं। तुम उसको जिंदा पे मार रहे हो, राम नाम सत्य कहने के लिए है, समझ रहे हो? राम नाम सत्य सिर्फ कहने के लिए है, राम नाम सत्य सत्य नहीं है। क्योंकि अगर भाई तुम जिंदा आदमी से कहोगे राम नाम सत्य तो चिढ़ ही जाएगा। आज के बाद उससे राम नाम सत्य मत बोलना, ठीक है? ठीक है भाई। और वो इसीलिए चिढ़ गया था, समझ रहे हो? आज के बाद उससे क्या, किसी से मत राम नाम सत्य बोलना। अगर आप लोग दोस्तों मानते हैं कि राम नाम सत्य है, चलो मैं भी एक मिनट के लिए राम नाम सत्य है मान लेता हूँ, अगर इसमें इतनी भी सत्यता है, अगर किसी के घर पे, गांव मोहल्ले शहर कहीं पर भी किसी के यहाँ अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उससे आप उसके घर पे जाके आप राम नाम सत्य एक बार बोल दोगे, अगर वो आपसे चिढ़ेगा नहीं तो मान लूँगा मैं राम नाम सत्य है। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी सच्चाई आपको इस वीडियो में समझ में आई हो, जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।